हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा विंस में आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बायो इक्विवेलेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट असेसमेंट तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में एक छोटी सी घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और सारे के सारे आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अभी हम लोग जो है इस टॉपिक के इस टॉपिक के बारे में क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं वो जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं वो कवर करेंगे ऑब्जेक्टिवस इसकी डेफिनेशन बाइक की टाइप्स ऑफ बाइक के नीड ऑफ इन स्टडीज एंड मैनी मोर डिटेल्स तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस होता क्या है तो बायो अवेलेबिलिटी जो होती है जैसे कि इसका नाम है मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझा देता हूँ बायो अवेलेबिलिटी बायो मीन्स बायोलॉजिकली मतलब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ड्रग की अवेलेबिलिटी कितनी हो रही है कितने समय के बाद उसी को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझाएं तो आप इस तरीके से बायो अवेलेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी मतलब कोई भी ड्रग अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा जैसे हमने कोई भी ड्रग जो है वो ओरल फॉर्म के फॉर्म में हमने एडमिनिस्टर की सपोज हमने टैबलेट जो है वो एडमिनिस्टर की टैबलेट हमारी क्या होगी अब जब वो डिजॉल्व हो जाएगी तो डिजोल्व होने के बाद अब उसका होगा एब्जॉर्प्शन तो एब्सॉर्पन होने पर क्या होगा कि ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होके अपनी साइट ऑफ एब्जॉर्ब्शन से जो है वो एब्सॉर्ब होके कहाँ पहुंचेगी ब्लड में तो सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड को कहा जाता है तो अब कितनी देर में उस ड्रग का कितना अमाउंट ड्रग का जो अमाउंट है वो कितनी देर में कितना अमाउंट एब्जॉर्बन होने के बाद में ब्लड में पहुंच रहा है अवेलेबल हो रहा है उसी को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस जो होता है वो होता है दो या दो से ज्यादा सिमिलर जो है वो प्रोडक्ट जो है बायो इक्विवेलेंट हो मतलब एक जैसी उसकी जो है वो बायो अवेलेबिलिटीज शो करे तो उसी को हम कहते हैं बायो इक्विवेलेंस या फिर दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के लिए कैसे होंगे बायो इक्विवेलेंट तो इन्हीं को हमें स्टडीज करना है इस टॉपिक के अंदर तो आई होप ये आपको दोनों ही बातें समझ आ गई होंगी तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए सारी की सारी इसी तरीके से आपको चीज़ें एक एक पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से समझ आते चले जाएंगे तो बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन

वो किसी भी ड्रग को या किसी ड्रग प्रोडक्ट को चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे वो जेनेरिक हो जिसको अप्रूवल कराना हो या अप्रूवल कराने के लिए उनको बायो अवेलेबिलिटी और बायो स्टडीज परफॉर्म करनी ही पड़ती है इनका डेटा जो है वो सबमिट करना ही पड़ता है तो ऑब्जेक्टिव क्या है बाइक क्यूलेंस स्टडी और बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज परफॉर्म करने का द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर एंड कंपेयर देशन परफॉर्मेंस बिटवीन टू और मोर फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट ड्रग प्रोडक्ट दो एक जैसी फार्मास्यूटिकल pharmaceutical, फार्मास्यूटिकली जो इक्विवेलेंट ड्रग हों या ड्रग प्रोडक्ट हों उनका कंपैरेटिवली क्या करना होता है कि उनका फॉमूलेशन का जो परफॉर्मेंस है वो कंपेयर किया जाता है और मेज़र किया जाता है कि वो इक्विलेंट है या नहीं है तो अगर हम बात करें बायक के बायोक्विलेंस की और बायो अवेलेबिलिटी की तो इसको यू एस एफ डी ए जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है दी एबसेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस किसी भी तरीके का कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस ना हो रेट एंड एक्सटेंट मतलब जो ड्रग एब्जॉर्बशन की रेट और एक्सटेंट है उसमें टू विच द एक्टिव इन्ग्रीडियंट और एक्टिव मोइटी इन फार्मास्यूटिकल इक्वलेंट्स और फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव बिकम अवेलेबल एट द साइट ऑफ ड्रग एक्शन ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया ये वही बात यहाँ पे भी यू एस जो है वो कह रहे हैं यू एस जो होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है यू की ठीक है और ज़्यादातर जितने भी अप्रूवल के लिए जो चाहे वो नई ड्रग का अप्रूवल कराना हो या फिर किसी ड्रग प्रोडक्ट का अप्रूवल कराना हो या फिर जनरिक ड्रग का तो उसके लिए एफ़ को ही वो सबमिट करने होते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस जैसे एन डी ए होता है एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन ए एन डी ए होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन तो ये एप्लीकेशन सबमिट करने होते हैं दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि एन डी ए और ए एन डी ए रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस कैसे होता है तो आप हमारे दूसरे वीडियोस मैंने एन डी ए और ए एन डी ए रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस के वीडियो सेपरेटली बनाए हुए हैं तो आप मेरे चैनल पर वो जो है वीडियोज़ वो भी देख सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं और आपके काफ़ी काम के टॉपिक्स हैं तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा तो आगे हम लोग बात करते हैं डब्ल्यू क्या कहता है डब्ल्यू कैसे डिफाइन करता है इनको टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर बायो इक्वलेंट दो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट हो सकते हैं इफ़ दे आर फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट अगर वो फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट हों तो एंड दे आर बायो अवेलेबलिटीज़ और उनकी जो बायो अवेलेबिलिटीज़ हैं चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एबजॉप्शन की हम बात करें और अवेलेबिलिटी इसी को अवेलेबिलिटी कहते हैं तो अगर वो सिमिलर हैं आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम मोलर डोज सेम डोज में सेम कंडीशंस uh, में और सेम डोजेस फॉर्म जब लिया जाए तो सारी चीज़ें जब सिमिलर हों तो उसे हम कह सकते हैं बायो इक्विवेलेंट नीड ऑफ़ बायोक्विलेंस बायो क्यूविलेंस की क्या ज़रूरत पड़ती है क्यों हम लोग ये स्टडी परफॉर्म करते हैं द नीड ऑफ बायोक्विलेंस स्टडीज़ इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू द लार्ज ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ जेनेरिक प्रोडक्ट तो बायोक्विलेंस स्टडी खास तौर से जो है वो जेनेरिक प्रोडक्ट के लिए बहुत ही मेन uh, रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जब भी जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट को कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो अप्लाई करती है उसको अप्रूव कराने के लिए उसके अप्रूवल लेने के लिए आप एफ के पास तो उन्हें इक्विवेलेंस डेटा जो है वो सबमिट करना पड़ता है ए एन डी एप्लीकेशन के थ्रू बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ आर कंडक्टेड इफ़ दियर इज इक्विवेलेंस स्टडी इसलिए भी कंडक्ट की जाती है अगर बा, बायो इनक्यूविलेंस की कोई रिस्क हो या फिर फार्मा को थेरेपिटिक फेलियर हो जाए इसकी रिस्क हो या फिर कोई क्लिनिकल स्टडीज़ पहले से जो है वो परफॉर्म ना की गई हो पेशेंट्स में जेनेरिक प्रोडक्ट्स के लिए टू सपोर्ट इट्स एफिकेसी एंड सेफ्टी तो इन सभी कंडीशंस में बायो इक्विवेलेंस स्टडी करना जरूरी हो जाता है टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस आर देयर तो मेनली चार तरीके के इक्विवेलेंस होते हैं एक तो केमिकल इक्विवेलेंस दूसरा फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस तीसरा थेरोपेटिक इक्विवेलेंस और चौथा बायो इक्विवेलेंस तो ये चारों में क्या डिफरेंस है आइए मैं आपको समझा देता हूँ जब दो या दो से ज्यादा ड्रग प्रोडक्ट जो है वो उसमें सेम जो है केमिकल जो लेबल्ड मतलब लेबल पे जो केमिकल इन्ग्रीडियंट जो भी दर्शाए गए हैं मेंशन किए जाते हैं वो सेम हो और उनकी क्वांटिटी भी सेम हो तब उन्हें कहा जाता है केमिकली इक्विवेलेंट और इस प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल इक्विवेलेंस इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस जो होता है वो होता है टू और मोर ड्रग आर आइडेंटिकल इन स्ट्रेंथ क्वालिटी प्योरिटी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन जब दो या दो से ज्यादा जो ड्रग हैं वो एकदम सिमिलर हों चाहे वो स्ट्रेंथ की बात स्ट्रेंथ का मतलब होता है उसकी पोटेंसी जैसे आप देखेंगे कभी भी किसी प्रोडक्ट पे तो उस पर लिखा रहता है जैसे टैबलेट है तो उस पर लिखा रहता है पैरासीटामोल 500 हंड्रेड तो 500 हंड्रेड जो वो क्या है वो है उसकी स्ट्रेंथ पावर तो वो सिमिलर हो उसकी क्वालिटी सेम हो प्योरिटी सेम हो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी सेम हो डिसग्रेशन एंडल्यूशन ये सारी की सारी चीज़ें जब दो या दो से ज्यादा ड्रग्स की सेम हो तो उन्हें कहा जाएगा फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट। तीसरा है थेरोपिटिक इक्विवेलेंस तो इंडिकेट दैट टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट दैट कंटेन द सेम थेरोपिटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब इसमें दो या दो से ज्यादा जो ड्रग प्रोडक्ट हैं वो अगर हम उन्हें कंपेयर करें तो उनके उनमें जो है सेम थेरेपिटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए और जो है वो सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करें या फिर जो डिजीज है उसको सेम एक्सटेंट तक कंट्रोल करें तो उन्हें हम कहेंगे थेरोपिटिकली इक्विवेलेंट और ये प्रोसेस कहलाएगा लगा इक्विवेलेंस बायो इक्विवेलेंस क्या होता है इट इज अ रिलेटिव टर्म विच डिनोट्स दैट दी ड्रग सब्सटेंस इन टू और मोर आइडेंटिकल डोजेस फॉर्म्स जब दो या दो से ज्यादा जो सिमिलर सब्सटेंस हैं ड्रग सब्सटेंस वो उनका डोजेस फॉर्म सेम हो और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में सेम रेट और सेम एक्सटेंट पर जो है वो ब्लड में पहुंचे तो उसे हम कहेंगे बायो इक्विवेलेंस ठीक है जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कोई भी ड्रग जब हम एडमिनिस्टर करते हैं ओरल डोजेस फॉर्म हम लेते हैं तो उसके बाद कहां पहुंचती है ड्रग एब्सॉर्व होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में मतलब ब्लड में तो ब्लड में रेट एंड एक्सटेंट का मतलब है कि किस दर से मतलब कितने समय में कितना कितना अमाउंट जो है एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच रहा है और एक टाइम ऐसा होगा कि मैक्सिमम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन उस ड्रग की डोजेस फॉर्म से एब्जॉर्ब होके कहां पहुंच जाएगी ब्लड में तो वही उसकी होगी मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी और यही सारी चीजें जो सिमिलर अगर दो या दो से ज्यादा ड्रग सब्सटेंस सेम बायो अवेलेबिलिटी शो करें तो वो कहलाएंगे बायो इक्विवेलेंट नीड ऑफ इनविवर स्टडीज इनवीवो स्टडीज़ परफॉर्म करने की या, या जो है इनको स्टडीज़ को कंडक्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है जब ओरल इमीडिएट रिलीज़ प्रोडक्ट जो है वो सिस्टमिक एक्शन के साथ में उनके लिए जो है इनवीवो स्टडीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं जब थेरोपेटिक इंडेक्स या थेरोपेटिक मार्जिन जो है वो बहुत कम हो तब इनवीव स्टडीज़ करनी पड़ती हैं मॉडिफाइड रिलीज़ प्रोडक्ट्स विद सिस्टमिक एक्शन मॉडिफाइड रिलीज़ प्रोडक्ट जिनका सिस्टमिक एक्शन हो उनके लिए इन इनवीवर स्टडीज परफॉर्म करनी पड़ती है और नॉन ओरल इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट्स के लिए भी इन इनवीवर स्टडीज की जाती हैं अब बात करते हैं स्टेटिस्टिकल इवेलुएशन ऑफ बायोक्वलेंस डेटा अगर बायोक्वलेंस डेटा है उसको हमें इवेल्यूएट करना है स्टेटिस्टिकली तो कैसे करेंगे स्टेटिस्टिकल इवेलुएशन स्टडीज इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ड्रग ब्लड और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन तो हम स्टेटिस्टिकल इवेल्युएशन स्टडीज जो है वो करते हैं एनालाइज करके जो है ड्रग को ब्लड में या प्लाज्मा कॉन्सनट्रेशन में ब्लड या प्लाज्मा की बात करें तो इसमें जो है वो ड्रग अल्टीमेटली एब्जॉर्व होकर पहुंचती है वहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम मॉनिटर कर लेते हैं और उसका एवेल्युएशन करते हैं स्टेटिस्टिकली ए होता है एरिया अंडर द प्लाज्मा कर्व या एरिया अंडर कर्व वर्सेस टाइम यहाँ पे जो है इसका एक कर्व आता है ये यूज़ होता है डिटरमाइन uh, करने के लिए इंडेक्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्बन अब बात करते हैं डिज़ाइन एंड एवेल्यूशन ऑफ़ बायोक्विलेंस स्टडीज़ जो बायो स्टडीज़ होती हैं उनकी डिज़ाइन और एवेलुएशन के बारे में तो स्टडी डिज़ाइन ये तीन तरीके की स्टडी डिज़ाइन बनाई जाती है एक तो फास्टिंग कंडीशन में मतलब फास्टिंग स्टडी फास्टिंग मतलब खाली पेट मतलब खाना ना लिया गया हो खाना ना खाया गया हो लंबे समय तक लंबे समय से मतलब है जैसे ओवरनाइट रात भर जो है वो खाली पेट रखा जाए सुबह खाली पेट स्टडी जो है वो परफॉर्म की जाए सैंपल लिए जाए तब वो कहलाती है फास्टिंग कंडीशन या फास्टिंग स्टडी तो ये यूज होती है इमीडिएट रिलीज और मॉडिफाइड रिलीज ओरल डोजेस फॉर्म्स के लिए ओवरनाइट फास्ट होता है इसमें और चार घंटे डोजिंग के बाद भी फास्ट रहता है फूड इंटरवेंशन स्टडी सेकेंड टाइप की जो स्टडी डिजाइन है वो है फूड इंटरवेंशन स्टडी इसमें क्या है खाने के साथ साथ ओरल ड्रग प्रोडक्ट को लिया जाता है और चेक किया जाता है कि बाय ड्रग की बायेलेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है मल्टीपल डोज स्टडी मल्टीपल डोज रेंडमाइज क्रॉस ओवर स्टडी की जाती है और थ्री कॉन्जिक ट्रफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन थ्री डे तो यहां पे क्या होता है तीन लगातार तीन दिनों तक जो है वो डोजिंग की जाती है और जो सैंपल लेके उनकी स्टडी परफॉर्म की जाती है इसी को कहते हैं मल्टीपल डोज स्टडी टाइप ऑफ डिजाइन कंप्लीट रेंडमाइज डिजाइन कंप्लीट रेंडमाइज डिजाइन ऑल ट्रीटमेंट्स आर रेंडमली एलोकेटेड अमंग ऑल एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स फ़ॉर एग्जाम्पल अगर बीस सब्जेक्ट हैं तो उन्हें असाइन कर दिया जाएगा एक से लेकर बीस तक का नंबर और रेंडम रेंडमली सिलेक्ट करेंगे नॉन रिपीटिंग नंबर को इसका फायदा इस टाइप की डिज़ाइन का होता है ईजी डिज़ाइन होती है और एकोमोडेट कर सकती है किसी भी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एंड सब्जेक्ट्स को नुकसान यह है कि सभी सब्जेक्ट्स जो है वो होमोजीनस होने चाहिए दूसरी जो स्टडी डिज़ाइन है वो रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन सब्जेक्ट्स आर शॉर्टेड इंटू होमोजीनियस ग्रोप कॉल्ड ब्लॉक्स इसमें होमोजेनस ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिन्हें ब्लॉक्स कहा जाता है सब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर बैकग्राउंड करेक्टरिस्टिक्स आर फॉर्मड एज ब्लॉक्स इसका फायदा है कि ये डिफरेंट ट्रीटमेंट नॉट नीड इक्वल सैम्पल साइज इसमें फ़ायदा ये है कि अलग अलग अगर हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देना है सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट से मतलब है कि जो पेशेंट या फिर जो वॉल्टियर्स उसमें ग्रुप में लिए जाते हैं जिन पे स्टडी परफॉर्म करना है तो यहाँ पर इसका ये फ़ायदा है कि सभी को इक्वल सैंपल साइज़ लेने की जरूरत नहीं है अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए और कैन अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इसमें किसी भी कितने भी नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स जो है वो अकोमोडेट किए जा सकते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इज रिलेटिवली सिंपल इन दिस मैथड डिसएडवांटेज ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कम होता है रिपीटेड मेजर्ड क्रॉस ओवर एंड कैरी ओवर डिज़ाइन इसमें रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन इंक्लूड होती है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू और मोर ट्रीटमेंट वन आफ्टर द अदर इज स्पेसिफाइड एडवांटेज है इसका गुड प्रेसीजन है फॉर कंपेयरिंग ट्रीटमेंट्स एंड इकोनॉमिक होती है ऑन सब्जेक्ट्स क्रॉसओवर पैरेलल डिजाइन अ पैरेलल डिजाइन इज कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन इन विच ईच सब्जेक्ट रिसीव वन एंड ओनली वन फॉर्मूलेशन ऑफ द ड्रग इन अ रेंडम फैशन क्रॉसओवर स्टडीज रेप्लिकेटेड क्रॉसओवर डिजाइन लैटिन स्क्वायर डिजाइन तो लैटिन स्क्वायर डिजाइन क्या होती है अ uh, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में यहाँ पे अलग अलग जो है स्टडी पीरियड लिए जाते हैं पीरियड वन पीरियड टू एंड पीरियड थ्री इसमें छः सब्जेक्ट्स लेके जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है सिक्स ह्यूमन वॉलेंटियर्स यहाँ पे ले लिए गए और उन पर जो है वो बाय के स्टडी परफॉर्म की गई यूजिंग लैटिन स्क्वायर क्रॉस डिज़ाइन तो कुछ इस तरीके से जो है उसका जो स्टडी डिज़ाइन तैयार किया जाता है टाइप्स ऑफ एविडेंस टू एस्टेब्लिश बाइक के वेलेंस बाइक इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी सेंसिटिविटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी तो इसमें क्या किया जाता है इन वीवो मेजरमेंट किया जाता है एक्टिव मोइटी का और मोइटीज़ इन बायोलॉजिकल फ्लूड इन वी वो फॉर्मे को डायनेमिक किया जाता है और इन वीवो लिमिटेड क्लिनिकल कम्पेरिजन किया जाता है इनविट्रो कम्पेरिजन भी किया जाता है एंड एनी अदर अप्रोच डीम्ड अप्रोप्रिएट बाई एफ डी ऑफ डेटा डेटा का एवेलुएशन एनालिटिकल डेटा का एवोल्यूशन कैसे किया जाता है एनालिटिकल मैथड यूज़ किए जाते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ ड्रग मस्ट बी वैलिडेट जो एनालिटिकल मैथड मेजरमेंट का है ड्रग का उसे वैलिडेट करना पड़ता है या किया जाना चाहिए एक्यूरेसी के लिए प्रोसीजन के लिए सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफाइसिटी के लिए मोर देन वन मैथड ड्यूरिंग बाई एक्वलेंस स्टडी मे नॉट बी वैलिड बिकॉज डिफरेंट मैथड्स मे ईल्ड डिफरेंट वैल्यूज़ तो यहाँ पे तीन तरीके के हम जो है वो परफॉर्मेंस और मेजरमेंट्स कर सकते हैं जब हम कोई डोजेस फॉर्म लेते हैं इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये पूरी बात समझ आ जाएगी जैसे डोजेस फॉर्म परफॉर्मेंस हमें देखना है ड्रग का ठीक है या डोजेस फॉर्म परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर हम कब देखेंगे जब हम डोजिस फॉर्म एडमिनिस्टर करते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर होता है अब यहाँ पे जब उसका डिसइंटिग्रेशन डिजोल्यूशन ये प्रोसेस होता है तो ड्रग जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में आ जाती है तो इसी दौरान जो है वो ड्रग डोजेस फॉर्म परफॉर्मेंस यहाँ पे देखा जाता है इसके बाद जब ड्रग सोल्यूशन में आ जाती है मतलब उसका डिजोल्यूशन हो जाता है और वो अवेलेबल हो जाती है एबजॉपन होने के लिए एबजॉर्ब होने के लिए तो गट वॉल जो है वहाँ से एबजॉपन होता है एबजॉर्पन होके के कहाँ पहुँचती है वो ड्रग ब्लड में तो अब हम यहाँ पे जब ब्लड में ड्रग पहुंच गई तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं मेजरमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं या मेजरमेंट स्टडीज कर सकते हैं ब्लड सैंपल्स लेके इसके बाद जो है ब्लड से ड्रग पहुंचती है साइट ऑफ एक्टिविटी मतलब ब्लड से उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड के अंदर ही और अलग अलग सभी ऑर्गन्स के पास में क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होता है तो ब्लड के साथ साथ वो ड्रग भी सभी ऑर्गन के पास पहुंचती है जहां पे उसकी साइट ऑफ एक्टिविटी होगी वहां पे वो जो है आ, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और एक्टिविटी शो या फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या एक्टिविटी शो करेगी ठीक है तो ये जो है थैरोपेटिक इफेक्ट कहलाता है उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या थेरोपेटिक इफेक्ट जो है तो इस जब हम थेरोपेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इस फेज़ में या फिर इस कंडीशन में हम क्लिनिकल मेजरमेंट्स जो है वो कर सकते हैं तो दोस्तों ये इस टॉपिक के बारे में सारा का सारा कॉन्सेप्ट थे और सभी जो है मैंने सारे इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी इसमें कंटेंट वो मैंने कवर कर दी है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा तो मिलता हूं आपसे एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस वीडियो में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि बायो इक्विवेलेंस और बायो अवेलेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है या फिर यूँ कह लीजिए कि बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बायो एक्कीवेलेंस से किस मामले में अलग है ठीक है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो